टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास ट्वेल्व चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पार्ट वन में हम पहले ही पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड That is Coulomb's law. What is Coulomb's law? According to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two charged bodies is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. It acts along the line joining the two charges. कंसिडर्ड टू बी पॉइंट चार्जेस यहाँ पर कूलाम ने अभी तक हमें पता चला था कि चार्जेस होती हैं दो चार्जेस के बीच में रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स लगती हैं रिपल्सिव और अट्रैक्टिव जो दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स हैं उन दो चार्जेस की फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है वो हमें कुलाम ने बताया कुलाम ने बताया कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स का जो मैग्निट्यूड होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा उन दोनों चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दो चार्जेस के बीच के दूरी के आगे देखते हैं जैसे यहां पर हमें फिगर से पता चल रहा है यहां पर क्यू वन चार्ज पॉजिटिव क्यू वन एंड पॉजिटिव Q2 दोनों हम बात कर चुके हैं अभी तक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है रिपल्शन शो करेंगे इसीलिए एरो इज आउटसाइड एरो इज आउटसाइड यहां पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं अनलाइक मैनर के चार्जेस हैं दैट्स व्हाई एरो इज इनवर्ड्स कूलम ने बताया था दो चार्जेस के बीच की दूरी दो चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है आर कूलंस ने बताया था कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा दो चार्जेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू और इनवर्सलीपोर्शन दोनों के बीच के स्क्वायर का डिस्टेंस दैट इज आर स्क्वायर और यहां पर जो के है वो है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कॉन्स्टेंट के इज इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कॉन्स्टेंट आप हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यहां पर हमें डायग्राम से शो हो रहा है कि यहां पर हम वेक्टर की बात करने वाले हैं अभी तक हमने पढ़ा कूलाम्स लॉ कुल्स लॉ में बताया दो चार्जेस के बीच में रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स में लगने वाला मैग्नीट्यूड क्या है जैसा कि हम सबको पता है फोर्स कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन की भी बात करेंगे पहले हम डायग्राम को समझते हैं यहां पर दो चार्जेस हैं दैट इज क्यू वन चार्जेस एंड क्यू टू चार्जेस दोनों चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्ज है कैसे चार्ज है पॉजिटिव जो Q2 टू चार्ज क्यू चार्ज पर फोर्स लगा रहा है वो चार्ज फोर्स एफ वन टू इसका मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू अब यहां पर क्यू वन चार्ज लगा रहा है क्यू टू चार्ज पर फोर्स इसका मतलब है फोर्स ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू चार्ज वन इन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस है आर लेकिन वो लाइन ज्वाइन कर रहा है क्यू टू से क्यू वन तक इसीलिए क्या आएगा आर टू वन क्या आएगा आर टू वन उन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस अब यहां पर बताया गया है फोर्स ऑन चार्ज फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू हमको फॉर्मूला पता है के इक्वल क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर के जो के होता है उसकी वैल्यू होती है के इक्वल्स वन अपॉन फोर पाई एफसाइलेंस नॉट जिसकी फर्दर वैल्यू होती है नाइन इन टू टेन टू दावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर तो यहां पर हमने के को वन अपॉन फोर पाई एफ साइलेंस नोट लिखा हुआ है फर्दर आगे फॉर्मूला क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर लेकिन यहां पर हमने आर वन टू वैक्टर के, के कैप से भी मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है आर वन टू वैक्टर के कैप से मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है फोर्स फर्स्ट वेक्टर पे सेकंड वेक्टर की वजह से जो लग रही है वो किस रेडियस के लोग लग रही है रेडियस वन टू तो यहां पर क्या आया गया फोर्स वन टू और जो माइनस साइन है जो माइनस साइन शो कर रहा है कि फोर्स वन टू और फोर्स टू वन आपस में माइनस साइन शो करता है इज अट्रैक्टिव फोर्स कैसी है अट्रैक्टिव हेयर ए वन टू इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्यू वन ऑन क्यू टू एंड

रिएक्शन कोई भी एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है तो एक ये जैसे एक्शन दे रखा है एक्शन मतलब फोर्स मान लीजिए फोर्स तो इसका इक्वल इससे इक्वल है फोर्स दूसरी और अपोजिट है अपोजिट की वजह से ये वन टू फोर्स डायरेक्शन में ये टू वन डायरेक्शन में तो जो कोलाम्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ कुल्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करते हैं फर्दर फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सिस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस दैट इज एफ इक्वल्स एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री यहां पर हम जो हमने पढ़ा था चार्जेस की एडिटिविटी के बारे में तो फोर्स में हम चार्जेस को ही एड कर रहे हैं दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसको भी हम एडिटिविटी से ऐड कर सकते हैं एफ इक्वल एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री आगे की पॉइंट ऑन कूलाम्स लॉ फर्स्ट पॉइंट इज इफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन टू डिफरेंट मीडिया इज द सेम फॉर डिफरेंट इक्वल्स वन अपॉन के वन अपॉन फोर पाई एफ साइलेंस नॉट क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वान्स्टेंट यहां पर बात की गई है कोई भी फोर्स लग रही है दो चार्जेस के बीच में लेकिन दो जो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है वो अलग अलग मीडियम है जैसे कि एक चार्जेस वैक्यूम या एयर में है और दूसरा चार्जेस वाटर में है दो अलग अलग मीडियम के बीच में जब फोर्स लगेगी तो कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला जो कि क्या था एफ इक्वल्स के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर जो चेंज हो जाएगा वन अपॉन के से वन अपॉन के वन अपॉन फोर पाई एप्स क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर नेक्स्ट पॉइंट टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैविंग चार्जेस Q1 वन एंड क्यू टू आर पुट टू कॉन्टेक्ट एंड देन सेपरेटेड आफ्टर विच ईच विल हैव है चार्ज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू बाई इफ द चार्जेस क्यू एंड माइनस चार्ज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू एंड टू सेकेंड पॉइंट में हमें बताया हुआ है दो चार्जेस हैं क्यू वन और क्यू टू उन दोनों में अगर हम ऐसे रखें कि दोनों charges के बीच में आइडेंटिकल कंडक्टर्स को हमने रखा हुआ है जो कि पहले कॉन्टेक्ट में है जिनमें चार्जेस q1 वन एंड क्यू टू है जब हम उन दोनों को सेपरेट करेंगे तो दोनों में आधा आधा चार्जेस आ जाएगा q1 वन प्लस क्यू टू बाई टू हो जाएगा ऐसे ही चार्जेस हैं जो कि नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है उनको कांटेक्ट में लाने के बाद सेपरेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा Q1 वन माइनस क्यू टू टू अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट टू स्फ़ेरिकल कंडक्टर्स हैविंग चार्जेस Q1 वन एंड क्यू टू एंड रेडियाई आर वन एंड आर टू आर पोट टू कॉन्टेक्ट एंड देन सेपरेटेड द चार्जेस ऑफ द कंडक्टर्स After contact is Q1 equal R1 into R1 plus R2 Q1 plus Q2 and Q2 equals R2 in bracket R1 plus R2 and Q1 plus Q2 यहां पे बात की गई है अगर हम दो स्फेरिकल कंडक्टर को ले लेते हैं जिनके पास चार्जेस क्या हैं Q1 एंड Q2 और उन दोनों का रेडियस R1 एंड R2 है पहले हम उन दोनों स्फेरिकल कंडक्टर्स को कांटेक्ट में लेके आए और फिर उनको सेपरेट कर लिया तो उन दोनों के कांटेक्ट के बाद जो सरफेस पे चार्ज है उसमें क्या रह जाएगा तो वो चार्ज क्या रह जाएंगे जो क्यू वन स्पेयर होगी उस पर चार्ज रहेगा क्यू वन स्पेयर पे चार्ज रहेगा क्यू वन इक्वल्स आर वन मल्टीप्लाई आर वन प्लस आर टू इंटू क्यू वन प्लस क्यू टू और जो क्यू टू स्पेयर होगी उस पर चार्ज आ जाएगा आर टू मल्टीप्लाय आर वन प्लस आर टू इंटू क्यू वन प्लस क्यू टू नेक्स्ट

कोई भी चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगी और वो दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखने वाले कंडक्टर्स हैं तो जो चार्ज Q1 वन एंड क्यू उन दोनों को हम सेपरेट करेंगे डिस्टेंस d से तो उन दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स होगी वो कांटेक्ट होने के बाद सेम डिस्टेंस पे न्यू फोर्स निकलेगी जिसका फॉर्मूला होगा कैपिटल एफ इक्वल स्मॉल एफ क्यू वन प्लस क्यू टू इन टू टू बाई फोर क्यू वन प्लस क्यू टू फिफ्थ पॉइंट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ लाइट द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन सी इक्वल वन अपॉन अंडरूड म्यू नॉट एफ सालेंस नॉट जो रिलेशनशिप होता है किसके बीच में वेलोसिटी ऑफ लाइट

द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस एट जो लॉ था फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू इट जो लॉ एप्लीकेबल था वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए था मतलब बड़ी बॉडीज के लिए नहीं था पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड प्लस वन गुलाम होता है पॉइंट चार्जेस पॉइंट चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड प्लस वन गुलाम होता है जो कूलाम्स लॉ था वो एप्लीकेबल सिर्फ किसके लिए था ऑन पॉइंट चार्जेस के लिए बड़ी बॉडीज के लिए वो एप्लीकेबल नहीं था सेकेंड पॉइंट कूलाम्स लॉ कैन बी ओनली अप्लाइड इन दोस केसेस वेयर द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओबेड कूलाम्स लॉ सिर्फ तभी एप्लीकेबल था तब इनवर्स स्क्वायर लॉ एप्लीकेबल था मतलब जब हमने डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं किया तो वहां पर कूलाम्स लॉ फेल हो गया थर्ड पॉइंट इट इज डिफिकल्ट टू इंप्लेंट कूलाम्स लॉ वेयर चार्जेस आर इन आर्बिट्रेरी शेप बिकॉज इन सच केस वी कैन नॉट डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जब कूलाम्स लॉ हमको जब आर्बिट्रेरी शेप आर्बिट्रेरी शेप होती है ऐसी शेप जो किसी भी शेप में हो लाइक प्लेनर सरफेस ना हो कोई भी इक्वल सर्फेसेस ना हो अनइक्वल सर्फेसेस को हम आर्बिट्रेरी शेप कहते हैं अनइक्वल सर्फेसेस पे कूलामस लॉ का इंप्लीमेंट फेल हो रहा था तो ये भी इसकी एक बड़ी लिमिटेशन है फोर्थ पॉइंट द लॉ कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बिग प्लैनेट्स जब हम दो प्लैनेट के बीच में लगने वाले चार्जेस में फोर्स निकालते हैं तो यह लॉ फेल हो जाता है दैट इज द लिमिटेशन ऑफ Coulomb's law. Thank you, class.